Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover the very first Indian English novel. Yes, the name is Raj Mohan's Wife, written by the very famous Bengali writer Bankim Chandra Chatterjee. We will get to know the story in detail, we will get to know the themes and we will also discuss what can be the important question asked in your subjective exam. So please do watch the whole video carefully, take down notes. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel and like the video. Give your feedback in form of comments. I should call this a novella instead of novel. Novella thoda sa chota hota hai novel se, that is the reason I am calling it a novella. Rajmohan's Wife, 1864 year yaad rakhiye sabse pehle to, agar aap kisi bhi टेक्स्ट का ईयर लिख देते हैं एग्जाम में तो दैट इज वेरी इम्प्रेसिव फॉर योर एग्जामिनर. तो ईयर्स, राइटर्स, ये सब याद रखिए, छोटे छोटे कैरेक्टर्स के नाम याद रखिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. राजमोहन्स वाइफ 1864 डेब्यू नॉवेला ऑफ इंडियन ऑथर बंकिम चंद्र चैटर्जी, इंग्लिश नॉवल बेसिकली. द इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेला क्लेम्ड बाय मेनी टू बी द वेरी फर्स्ट इंडियन नॉवेला वॉज फर्स्ट पब्लिश बाय अ लेसर नोन पीरियोडिकल जिसका नाम था इंडियन फील्ड. इंडियन फील्ड नाम के पीरियोडिकल ने इनको पब्लिश किया था और एक पर्सन थे इनकी एडिटर जिनका नाम था किशोरी चंद मित्रा. किशोरी चंद मित्रा के द्वारा ये एडिट किया जाता था इंडियन फील्ड. राजमोहन्स वाइफ सबसे पहले 1864 में इसी पीरियोडिकल में पब्लिश हुआ था. लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड इन द नॉवेल फॉर्म. देखते हैं सबसे पहला सीन क्या है इस नॉवेल का. सबसे पहले सीन में वी आर मेड एक्वेंटेड विद टू फीमेल्स. एक रिमोट विलेज है जिसका नाम है राधागंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी. The novella opens in a remote village जिसका नाम है राधागंज in Bengal Presidency. एक 30 year की unnamed lady है. She awaken from an afternoon nap, dress up होती है, अपने घर से बाहर निकलती है, goes to a nearby house where she meets with a young 18-year-old married woman. तो एक 30 years की लेडी और एक 18 years की लेडी वो एक दूसरे से मिलती है. एंड वी कम टू नो दैट 30 years ओल्ड वुमेन्स नेम इज कनकमई. नॉवल में उनको शॉर्ट में कनक बोला गया, शॉर्ट इन टू कनक. एंड आफ्टर सम कॉन्वर्सेशन, आफ्टर सम परसुएशन, कनक कन्विंसेस द 18-year-old वुमेन टू अकम्पनी हर टू फेच वाटर फ्रॉम अ नियर बाय विलेज. तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक लेडी है दूसरी लेडी को कन्विंस कर रही है पानी लेकर आने के लिए. उन दिनों आजकल के जैसे टैप्स नहीं हुआ करते थे घर घर में. वी पीपल आर एक्चुअली वेरी मच ब्लेस्ड. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड्स रिएक्शन द 18-year-old वुमेन टेक्स अ पिक्चर. एक मटका लेती है, घड़ा लेती है एंड गोज आउट विद कनक. तो हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ये 18 इयर्स की लेडी है ये कहीं ना कहीं टॉर्मेंटेड है अपने हस्बैंड से. तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन दोनों कैरेक्टर को, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सीन लिया गया है. इनकी कॉन्वर्सेशन को इस तरीके से दिखाया गया है कि दिस लेडी इज टॉर्मेंटेड बाय हर हस्बैंड. मीनवाइल हमें दो और कैरेक्टर से एक्वेंट किया जाता है, माथुर घोष एंड माधव घोष. सो इन वन अदर प्लेस टू पीपल, टू कजिन्स आई मस्ट से, दीज आर कजिन्स, दे आर सीन टॉकिंग टू ईच अदर. द एल्डर वन इज माथुर घोष एंड द यंगर वन इज माधव घोष. माथुर वॉज टॉकिंग टू माधव अबाउट हिज रीसेंट अराइवल इन राधागंज आफ्टर लिविंग कैलकटा. तो माथुर अभी अभी राधागंज में आए हैं कैलकटा को छोड़कर, इसी बारे में दोनों कजिन्स बात कर रहे हैं. थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और स्टोरी के कैरेक्टर्स को जानते हैं इस चार्ट के थ्रू. एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें एक जमींदार के बारे में बताया जाता है, बंशी बतान, हु वाज अ जमींदार ऑफ राधागंज, वही प्लेस जिसकी हम अभी बात कर रहे थे. सो इन अ फ्लैशबैक वी गेट टू सी द राइज ऑफ दिस बंगाली जमींदार बंशी बतान एंड थ्री सन्स, रमाकांत, रमाकनाई एंड रामगोपाल, एंड द सन ऑफ रमाकांत माथुर, माथुर घोष,
जिससे हम अभी एक्वेंट हुए थे, रमाका नाई का सन माधव, माधव के बारे में भी हमने अभी जाना था, एंड रामगोपाल। रामगोपाल इज द वन हु राइट्स हिज प्रॉपर्टी टू माधव इन हिज विल। और ये जो विल है, यही पूरे झगड़े की, यही पूरी स्टोरी की एक जड़ है एक तरीके से। ये जो विल है, ये भी एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का। एंड देन देयर इज द टाइटुलर कैरेक्टर मतांगिनी। मतांगिनी इज द वाइफ ऑफ राजमोहन एंड सिस्टर ऑफ माधव्स वाइफ हिमांगिनी। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी कैरेक्टर्स को। बंशी मदान द मेजर जमींदार, उनके तीन बेटे रमाकांत, रमाकनाई एंड रामगोपाल। रमाकांत के बेटे माथुर घोष, माथुर घोष की वाइफ तारा, तारा इज हिज सेकेंड वाइफ, उनकी एक और वाइफ भी है। रमाकनाई जिनके बेटे का नाम माधव, माधव की वाइफ हिमांगिनी, हिमांगिनी की सिस्टर मतांगिनी हमारा टाइटुलर कैरेक्टर एंड राजमोहन वाइफ। एंड राम गोपाल द थर्ड सन ऑफ वंशी मदान हु राइट्स हिज प्रॉपर्टी टू माधव। तो ये सब हमें कैरेक्टर्स जानने को मिलते हैं थ्रू अ फ्लैशबैक। लेट अस गेट टू नो मोर अबाउट दिस होल चार्ट। वंशी मदान से शुरुआत करते हैं। कैरेक्टर्स को अच्छे से जानेंगे तो स्टोरी अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगी। बंशी मदान ने अपनी एक एस्टेट को एस्टैब्लिश किया एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ जी और अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया अपने तीन बेटों में, रमाकांत फादर ऑफ माधव, रमाकनाई फादर ऑफ माधव एंड रामगोपाल। ड्यू टू रमाकांत्स विश माथुर नेवर गॉट प्रॉपर इंग्लिश एजुकेशन। माथुर को कभी एक बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन माथुर वॉज क्वाइट सक्सेसफुली टॉट हाउ टू मैनेज द एस्टेट। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसको एजुकेशन नहीं मिलती वो बिजनेस या एस्टेट को मैनेज नहीं कर पाते। माथुर को बहुत अच्छे से पता था कि एस्टेट को कैसे मैनेज करना है। अब बात करते हैं रमा कनाई की। रमा कनाई दो थोड़े से इंडोलेंट थे, थोड़े से एक्सट्रावेजन थे इन नेचर, विच कॉज्ड हिम टू लूज ऑलमोस्ट हिज एंटायर प्रॉपर्टी ड्यू टू सम पीपल हु कंटिन्यू टू फ्लीस हिज मनी फ्रॉम हिम। तो रमा कनाई को मनी को मैनेज करना बहुत अच्छे से नहीं आता था, बट रमा कनाई गेव हिज सन माधव द बेस्ट एजुकेशन ही कुड अफोर्ड एंड ऑल्सो गॉट ए मैरिड टू अ पुअर बट गुड नेचर्ड वुमन हिमांगिनी। हिमांगिनी से उनकी शादी भी करा दी, काफी अच्छे नेचर की एक सॉफ्ट सी गर्ल थी जो कि हमारे टाइटुलर कैरेक्टर की सिस्टर भी थी, यंगर सिस्टर ऑफ मतांगिनी। मीनवाइल मतांगिनी की शादी राजमोहन से हो जाती है, मैरिज ऑर्गेनाइज बाय मतांगिनी फादर। उस टाइम में पेरेंट्स ही मैरिजेस को अरेंज किया करते थे। मतांगिनी लेटर अपील्ड टू हिमांगिनी टू टॉक टू माधव अबाउट गिविंग राजमोहन अ जॉब। राजमोहन के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, तो मतांगिनी अपनी सिस्टर से बात करती हैं हिमांगिनी से कि अपने हस्बैंड से बोलकर मेरे हस्बैंड को, राजमोहन जी को कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दी जाए। सो राजमोहन के साथ उनकी मैरिज ऑर्गेनाइज बाय देयर पेरेंट्स थी एंड मतांगिनी अपील टू हिमांगिनी टू टॉक टू माधव अबाउट गिविंग राजमोहन अ जॉब। एक ऐसा टास्क था जिसमें जिसके लिए हिमांगिनी स्ट्रगल तो करती है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। माधव लेटर डायरेक्टली टॉक्स टू राजमोहन। तो माधव राजमोहन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली बात करते हैं और उनको कहते हैं कि आप मेरे एस्टेट को सुपरवाइज करने का काम करिए, प्रॉमिसिंग दैट हिज फैमिली विल बी प्रोवाइडेड विद अ हाउस इन राधागंज। तो सुपरवाइजर की जॉब प्लस अ हाउस, सच अ गुड अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन टू राजमोहन हु वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब अर्लियर। इनिशियली तो राजमोहन बिकम्स वेरी एंग्री, ही फील्स दैट दिस इज अ लो स्टैंडर्ड जॉब फॉर हिम, सुपरवाइजर्स जॉब, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। सो राजमोहन गेट्स वेरी एंग्री, वेरी फ्यूरियस एट दिस प्रपोजल। इनिशियली स्टॉर्म आउट करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं अपना, बट ही लेटर एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, बहुत ही रिलक्टेंस के साथ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं एंड मूव्स टू राधागंज। राधागंज में ही सारी स्टोरी है, तो राधागंज ये नाम तो आप जरूर याद रखिए। मूव्स टू राधागंज विद मतांगिनी वेयर ही इज स्टेइंग एट द हाउस मेड फॉर हिम। एक घर भी बना बनाया मिल गया, माधव की सुपरविजन में वो घर बना है। राम गोपाल, अब बात करते हैं राम गोपाल की। रामगोपाल रिमेन चाइल्डलेस थ्रू आउट हिज लाइफ एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही गेव हिज एंटायर प्रॉपर्टी इन हिज विल टू माधव।
राम गोपाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी माधव को दे दी एक विल के थ्रू अंडर दी कंडीशन दैट माधव विल लुक आफ्टर राम गोपाल्स विडोड वाइफ। राम गोपाल एक कंडीशन रखते हैं कि मेरी विडोड वाइफ की देखभाल माधव करेंगे और माधव ही मेरी पूरी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे मेरी डेथ के बाद। So now the introduction of the major character is done. Now let us see what is happening at present in the story. मतांगिनी आपको याद होंगी एक कैरेक्टर जो कि काफी हेजिटेट कर रही थी अपनी फ्रेंड कनक के साथ पानी लाने के लिए एक रिवर से। कनक के साथ ही गई थी ये है मतांगिनी। So story अब present में वापस आ जाती है। The story now returns to present after Matangini returns to home. She is confronted by an angry Rajmohan. Rajmohan जी जिनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी wife बाहर जाए, किसी से मिले, लोगों से बात करे, वो चाहती थी मेरी wife घर के अंदर ही रहे। So she silently faces all the abuses hurled at her by Rajmohan. जैसे ही घर वापस आती है राजमोहन उनको कन्फ्रंट करना शुरू कर देते हैं। कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, मेरी परमिशन के बिना क्यों गई थी। अब हम थोड़ा सा मतांगिनी की स्टोरी को जानते हैं, कैसा वो फील कर रही है एट प्रेजेंट। द स्टोरी नाउ रिटर्न्स टू मतांगिनी एंड विदाउट हैविंग हर डिनर शी रिमेन्स इन हर चैम्बर। अपने चैम्बर में ही रहती हैं, अपने चाइल्डहुड को याद करती हैं कि कितने खुश थी अपने सिस्टर के साथ। उनकी सिस्टर का नाम हेमांगिनी है। She gets up to open the window. एक विंडो ओपन करने के लिए उठती है एंड नॉन डेलिबरेटली शी ईवसड्रॉप्स ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू मेन। उनको ऐसा लगता है दो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। लेट अस हियर कि ऐसी क्या बात हो रही है, कौन से दो लोग हैं, एक तो मेरे हस्बैंड है दूसरा कौन हो सकता है। सो शी ईवसड्रॉप्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू मेन टेकिंग प्लेस राइट आउटसाइड हर रूम इन द गार्डन एंड देयर आर टू मेन। These two men are Rajmohan and another man seemingly a dacoit leader. ऐसा लगता है डाकुओं का कोई सरदार है एंड रियलिटी में उनको सरदार कहकर ही एड्रेस किया जाता है इन द स्टोरी। तो एक तो हो गए उनके हस्बैंड राजमोहन और एक सरदार, उनके बीच में कुछ बात चल रही है। She tries to listen and she is astonished to listen. They are planning a dacoity in Madhav's house, intending to steal Ram Gopal's will. वो माधव के घर में एक डकैती प्लान कर रहे हैं जिससे भी जिसके जिसके थ्रू वो राम गोपाल की विल को चुरा लेंगे। राम गोपाल की विल मैंने आपको बताया था, ये विल भी एक तरीके से एक कैरेक्टर ही है हमारी स्टोरी में। इस विल की वजह से ही पूरी स्टोरी प्रोग्रेस करती है। नोबडी इज लाइकिंग की सारी प्रॉपर्टी राम गोपाल की माधव के नाम कर दी गई है। So this person Rajmohan and this person Sardar, they are planning a dacoity in Madhav's house, intending to steal Ram Gopal's will. सारे झगड़े की जड़ ही वो will है। राजमोहन सरदार को कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी लूट का एक बहुत अच्छा शेयर चाहिए, because I am the one who is giving you the information. During the conversation, Rajmohan keeps on checking Matangini's room regularly to ensure that she's asleep, she's not listening to our conversation, and she also plays clever. She fakes sleep whenever he arrives to check. So she's asleep in order to he keeps on checking that she's asleep in order to pacify the Sardar who was worried that someone may hear them. When Rajmohan and Sardar go away, जब ये दोनों चले जाते हैं, the quite afraid Matangini contemplates about her next move. Matangini सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। How should I save Madhav? How should I inform Madhav about this dacoity? Ultimately वो एक decision ले लेती है कि let it go. मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, आई डू नॉट वरी नाउ, माय पर्पस इज टू सेव अ पर्सन एंड माय सिस्टर एज वेल। सो शी गोज आउट ऑफ अ हाउस एंड ट्रेवल्स टू माधव हाउस। माधव के घर में जाती है बहुत ही करेज दिखाते हुए, जंगल के रास्ते से उन्हें जाना था। नियरली एनकाउंटरिंग द वाइल्ड एनिमल्स, द डकैट्स, एक्सपोजिंग हरसेल्फ इन द प्रोसेस एंड फाइनली रीचेस टू हिज हाउस, उनके घर पहुंचती है। अपॉन मीटिंग माधव शी वॉन्ट्स हिम ऑफ द डकैती ऑफ ऑल द कॉन्वर्सेशन दैट शी रिसेंटली हर्ड एंड ही आर्म्स ऑल द गार्ड्स ऑफ हिज हाउस एंड वेट्स फॉर द डकैट्स। वो अपने घर के सारे पहरेदारों को अलार्म कर देते हैं और सबको कहते हैं कि अच्छे से चौकन्ने होकर रहना। सून द डकैट्स आर स्कैर्ड ऑफ व्हेन
माधव गार्ड्स हाउल एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, डकैत्स वहां पर आ जाते हैं, लेकिन माधव के गार्ड भी बहुत अटेंटिव हैं, उसको देखकर डकैत्स सारे स्केर्ड हो जाते हैं, thus averting a direct conflict. When Madhav thanks Matangini for her help, Madhav obviously Matangini ko thanks bolte hain. Matangini fails to restrain herself and reveals her love for him. So for the first time we come to know ki Matangini actually loved Madhav before her marriage, when Hemangini's marriage proposal was fixed. Jab Hemangini ka marriage proposal fix hua tha to Madhav se मतांगिनी प्यार करने लगी थी, लेकिन माधव की शादी तो हेमांगिनी के साथ हो गई. मतांगिनी मेट माधव एंड वॉज इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट एट प्रेजेंट माधव इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते. ही सिंपली हियर्स एवरीथिंग बट फेल्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट. अब मतांगिनी को अपने घर भी वापस आना है और एकदम से अपने हस्बैंड को शो करना है कि मैंने कुछ नहीं किया. So Matangini hurriedly returns home and she is confronted by the infuriated Rajmohan. Rajmohan बहुत गुस्सा है और confront करते हैं कि कहाँ गई थी, उन्होंने उसकी absence को discover कर लिया है. Brandishing a knife, Rajmohan is about to kill Matangini. मतांगिनी से इतने गुस्सा है कि एक चाकू लेकर उनको मारने वाले हैं और इसी वक्त दो डकैत्स भीखू और सरदार वहां पर आ जाते हैं राजमोहन से कुछ बात करने के लिए. भीखू और सरदार भी राजमोहन से बहुत गुस्सा है कि हमें तो भेजा था डकैती करने के लिए कि वहां पर कोई भी गार्ड्स नहीं होंगे और वहां पर तो हर कोई चौकन्ना था. सो भीखू ब्रेक्स इनटू द रूम फ्रॉम द विंडो एंड अटैक्स राजमोहन, प्रिज्यूमिंग दैट राजमोहन इज द वन हु डबल क्रॉस देम एंड फॉइल देयर डकैती. राजमोहन पेनस्टेकिंगली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी वाइफ ने किया है. सो राजमोहन, भीखू एंड सरदार देन गेट अप टू किल मतांगिनी. ये तीनों मतांगिनी को मारने के लिए बहुत ही एडमेंट है एट प्रेजेंट, ओनली टू डिस्कवर दैट शी हैज फ्लेड इन द केओस. इस पूरी केओस में, इस पूरी कॉन्वर्सेशन के थ्रू मतांगिनी प्लेड क्लेवर एंड शी फ्लेड. राजमोहन नाउ वाउस की मतांगिनी को तो मैं मार कर ही रहूंगा. तो मतांगिनी को कन्फ्रंट किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द सीन बाय राजमोहन. अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मतांगिनी कनक से मिलती है, कनक से हेल्प एक्सपेक्ट कर रही है. वी नाउ फाइंड मतांगिनी मीटिंग विद कनक एंड शी ओनली रिवील्स दैट राजमोहन्स एंगर हैज कंपेल्ड हर टू फ्ली एंड दैट शी इज इन डायर नीड ऑफ अ शेल्टर. तो कनक को मतांगिनी बताती है कि राजमोहन इज नाउ आफ्टर माय लाइफ और मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक शेल्टर की. लेट अस सी दिस चार्ट नाउ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स. अगेन माथुर की बात हो रही है अभी यहाँ पर, बंशी बदान के बेटे, रमाकांत के बेटे माथुर. द स्टोरी नाउ शिफ्ट टू माथुर हाउस होल्ड आफ्टर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माथुर पुअरली मेंटेन्ड हाउस. पहले हमारे जो राइटर है वो माथुर के हाउस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हमें बताते हैं कि स्टोरी हमारी माथुर के घर की तरफ शिफ्ट होगी. लेट अस सी क्यों शिफ्ट हो गई है. वी फाइंड मतांगिनी कन्वर्सिंग विद द 28 ईयर ओल्ड तारा, माथुर एल्डर वाइफ. मैंने आपको बताया था माथुर की दो वाइफ से. सो तारा प्रॉमिस करती है कि वो इस बारे में कुछ करेंगी, अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी जान के पीछे हैं तो आई एंड माय हस्बैंड विल ट्राई टू सेव योर लाइफ. बट शी नीड्स माथुर्स परमिशन टू लेट मतांगिनी स्टे एट देयर होम. माथुर एंटर करते हैं इन द रूम अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग फ्रॉम तारा अलाउज टू शेल्टर मतांगिनी इन हिज हाउस. तो माथुर भी अपनी वाइफ को अलाउ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, आप मतांगिनी को अपने घर में ठहरा लीजिए. उसके बाद आती है चंपक. चंपक नाम का एक और कैरेक्टर है जो कि माथुर की एक और वाइफ है, माथुर्स यंगर वाइफ. इनको हम ऐसे ही एड्रेस करेंगे, माथुर्स एल्डर वाइफ, माथुर्स यंगर वाइफ. माथुर की जो यंगर वाइफ है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक और फीमेल हमारे घर में आकर रहेगी. शी डिसलाइक्स मतांगिनीज प्रेजेंस इन द हाउस एंड इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड्स अट्रैक्शन अफेक्शन. स्मॉल ऑल्टरकेशन और अ स्मॉल टॉक, स्मॉल कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन माथुर एंड चंपक रिगार्डिंग दिस मैटर. चंपक कॉन्स्टेंटली आस्किंग माथुर टू नॉट लेट मतांगिनी स्टे इन देयर हाउस. चंपक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो मना करती रहती है और माथुर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतांगिनी को शेल्टर लेने दीजिए. फॉर दैट नाइट द मैटर रिमेन्स अनसॉल्व्ड.
उस रात को मतांगिनी शरण ले लेती है मातृ के घर में, बट वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे? द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग एक विजिटर आते हैं जो क्लेम करते हैं टू बी राजमोहन। एक विजिटर मातृ के घर में आते हैं जो कहते हैं कि मैं राजमोहन हूँ और मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। आई एम रियली फीलिंग सॉरी एट माई बिहेवियर। सो द मैन विजिटर क्लेमिंग टू बी राजमोहन अराइव्स टू मीट विद माथुर एंड टू टेक मतांगिनी बैक, सेइंग दैट ही हैज फॉरगिवन हर एंड वांट्स हर बैक। मतांगिनी इज रिटर्न बैक टू हर हस्बैंड। मतांगिनी अपने घर हस्बैंड के घर वापस चली जाती है। दिस वी आर शून। इन द मीन वाइल माधव इज किडनैप्ड बाय टू पावरफुल मेन। अब हमें सीन दिखाया जाता है माथुर और तारा के चैम्बर का, हस्बैंड वाइफ के चैम्बर का। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने चैम्बर में हैं, बातें कर रहे हैं। तारा कॉन्स्टेंटली माथुर से पूछती है कि आजकल आप बड़े रेस्टलेस नजर आ रहे हो, क्या हो गया? माथुर रिमेन्स क्वाइट साइलेंट एंड एट द एंड ही सेज दैट ही कांट रिवील एनीथिंग टू हर। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। व्हेन तारा इज अबाउट टू आस्क फॉर अ promise, they both hear a screech owl's shriek which causes Mathur to rush out of the room. किसी के चिल्लाने की, बहुत तीखा चिल्लाने की किसी की आवाज आती है और माथुर एकदम से अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। द शॉक्ड तारा, तारा भी बड़ी शॉक है। द शॉक्ड तारा ट्राइज टू लुक फॉर हिम लुक फ्रॉम द बैल्कनी एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी सीज हिम रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन बिहाइंड। माथुर घर के पीछे के गार्डन से वापस आ रहे हैं और तारा को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तारा स्टार्ट सस्पेक्टिंग माथुर ऑफ सम फोल प्ले। इसके बाद हमें माधव के कुछ वियर अबाउट्स के बारे में पता चलता है। द स्टोरी नाउ शिफ्ट्स टू माधव। माधव ऐसा लगता है कि बहुत गहरी बेहोशी के बाद सोकर उठे हैं किसी प्लेस में और वो पाते हैं कि बहुत ही छोटे से एक डार्क रूम में है, काइंड ऑफ अ गोडाउन रूम। एंड सून वी सी टू मेन एंटरिंग, भीखू एंड सरदार। भीखू एंड सरदार एंटर इनसाइड एंड रिवील देमसेल्व्स टू बी हिज किडनैपर्स। तो भीखू और सरदार बाय दिस सीन माधव को किडनैप कर चुके हैं और वो तीनों आपस में बात करते हैं एक दूसरे के साथ। माधव एंड बोथ ऑफ देम आस्किंग माधव कॉन्स्टेंटली अबाउट द विल, कि इन दोनों को वो विल चाहिए, वो विल जो कि माधव के अंकल ने उनके लिए लिखी है। सो माधव फिगर्स आउट दैट इट इज माथुर मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने मेरी किडनैपिंग करवाई है एंड आस्क्स भीखू एंड सरदार की क्या चाहिए मुझसे। द सरदार वेरी ब्लंटली स्टेट्स दैट इट इज राम गोपाल्स विल। माधव कैन बी रिलीज्ड वेरी इजीली इफ ही हैंड्स ओवर द विल टू देम। भीखू एंड सरदार कॉन्टिन्यूसली डिमांड करते रहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को एक लेटर लिखो जिससे कि वो तुम्हारी विल यहाँ तक पहुंचाए। वही इस लेटर को डिक्टेट भी करवाते हैं, लेकिन लगातार आसपास के किसी कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। तो भीखू और सरदार तो उन आवाजों को कुछ सुपर नेचुरल मानते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं। माधव को भी मौका मिल जाता है भागने का। वो भागने की कोशिश कर ही रहे हैं कि किसी फिगर से टकरा जाते हैं और वो फिगर और कोई नहीं है, वो है तारा माथुर की वाइफ। सो माधव एंटायरली फ्री नाउ प्रोसीड्स टू एस्केप एंड स्टम्बल अपॉन अ फिगर रिवील्ड टू बी तारा। तारा हु हैपेंस टू बी हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, लेकिन ये दोनों भी एट प्रेजेंट बड़े कंसर्न हैं कि ये कैसी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं पूरे हाउस होल्ड से। तो वो दोनों भी उस आवाज को जानने की, पहचानने की कोशिश करते हैं। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि माधव और तारा एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इट इज रिवील्ड हाउ माधव एंड तारा न्यू ईच अदर सिंस चाइल्डहुड एंड बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। बैक इन प्रेजेंट तारा रिवील्स दैट ड्यू टू हर सस्पिशन शी अराइव्ड इन द गोडाउन। उसको कुछ सस्पिशन थी, इसी वजह से वो गोडाउन में आई। द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग एट प्रेजेंट एंड ट्राई टू गेट इन ओनली टू बी स्केयर्ड व्हेन सरदार एंड भीखू एस्केप्ड फ्रॉम देयर। सरदार और भीखू जब वहां से भाग रहे थे तो तारा कहती है मैं बहुत डर गई थी। माधव नाउ ब्रिंग्स हर इन द रूम एंड डिस्क्लोजेस एवरीथिंग टू हर। सब कुछ बताते हैं किस तरीके से इनको एबडक्ट किया गया, एक रूम में रखा गया। After some brief moment, the duo starts looking for the source of the shriek. उन आवाजों का सोर्स जानने की कोशिश में लग जाते हैं। माधव को जल्दी एक छोटे से रूम और उसके दरवाजे का पता चल जाता है।
Matangini is actually abducted in a room. Madhav soon finds out a small door and after some initial failed attempts opens it and finds the staircase. कुछ सीढ़ियां दिखती हैं अंदर, दोनों वो सीढ़ियां चढ़कर जाती हैं deep inside the house, find another door and open it after similar failed attempts. Entering the room, both of them find a bed and a woman lying on it, whom they recognize as Matangini. So now it is revealed कि मतांगिनी को उनके हस्बैंड के साथ वापस नहीं भेजा गया था. Somebody just pretended to be Rajmohan and somebody just acted to be Rajmohan on the behalf of Mathur. Mathur ने मतांगिनी को अपने ही घर में कैद करवा लिया था एक रूम में. Mathur met Matangini and promised to make her subdue to him by starvation. तो Matangini को physically abuse करना चाहते थे Mathur और उसको बोला था कि if you will not surrender, तो you will die by starvation. Matangini refused by promising to starve herself. Matangini refuse कर देती है उनके सामने झुकने को और कहती है कि I will rather die by starving. Tara अब पूरी तरीके से convinced है of the villainy of Mathur. She escorts Matangini to Madhav's house where she meets Himangini as well. Matangini now reveals her wish to return to her father's house. Matangini अब अपने husband के घर, Rajmohan के घर बिल्कुल जाना नहीं चाहती और अपने father के घर जाना चाहती है. In the meanwhile, Bhikhu और सरदार को भी अरेस्ट कर लिया जाता है. They have been arrested and have confessed everything to police. The Sardar also reveals that he intends to escape that very night. Obviously, Mathur के प्लान के बारे में भी पुलिस को पता चल जाता है और Mathur को ऐसा लगता है कि मैं तो ब्राइब देकर आराम से छूट जाऊंगा. Mathur plans to bribe the police and how to force Bhikkhu to retract his confession and start thinking on how to deal with a newly posted magistrate and Irishman. तो Mathur को ऐसा लगता है कि अपने पैसों के थ्रू वो कुछ भी कर सकते हैं, Bhikkhu को भी अपने कन्फेशन को रिट्रैक्ट करवाने के लिए फोर्स कर सकते हैं, पुलिस को ब्राइब कर सकते हैं, न्यूली पोस्टेड मैजिस्ट्रेट जो कि एक आयरिश पर्सन है उसको भी ब्राइब कर सकते हैं. द लॉ ऑफिसर द आयरिश मैन रिवील्स दैट भीखूस कन्फेक्शन वाज आल्सो हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट एंड दे आर नाउ प्रिपेयरिंग टू अरेस्ट Mathur. लॉ ऑफिसर कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट को सब कुछ पता है, उनको ब्राइब नहीं किया जा सकता, हमें भी ब्राइब नहीं किया जा सकता, अब तो सिर्फ तुम्हारा अरेस्ट ही होगा. Mathur इज क्वाइट stunned at this. Next morning, वो आयरिश मैजिस्ट्रेट खुद ही Mathur के घर आते हैं पर्सनली इनको अरेस्ट करवाने के लिए, accompanied by some policemen. And after searching for him, they find that Mathur has already hanged himself from the ceiling of a godown room, the same room where he abducted Matangini. स्टोरी का एंड अचानक से हो जाता है, थोड़ा सा एब्रप्ट हो जाता है. बहुत सारे कैरेक्टर्स के फेट के बारे में हमें पता चलता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता नहीं चलता है. इट इज टोल्ड दैट सरदार, डाकुओं का सरदार, ही वॉज सक्सेसफुल इन फ्लीइंग, आराम से भाग गए थे वो पुलिस की कैद से, राधागंज से. Rajmohan को अरेस्ट कर लिया गया और Rajmohan ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया और Bhikkhu को भी पनिशमेंट मिली. सरदार तो भाग गए थे. Matangini जो कि हमारी टाइटल कैरेक्टर है, Matangini वेंट टू लिव विद अ फादर और उनकी भी एक अर्ली डेथ दिखा दी गई है. तारा को अपने हस्बैंड की डेथ का दुख होता है, थोड़े टाइम बाद ओल्ड एज के बाद तारा की भी डेथ दिखा दी जाती है. कई कैरेक्टर्स जैसे कि माधव, Himangini और Mathur की सेकेंड वाइफ चंपक, उनके बारे में हमें बाय द एंड कुछ खास नहीं बताया जाता है और वो जो भी हमारी स्टोरी के एक थर्ड पर्सन नरेटर हैं वो हमें बताते हैं कि इन सब कैरेक्टर्स का क्या हुआ है. एब्रप्टली हमें बताया जाता है कि किस किस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, जैसे कि Mathur ने सुसाइड कर लिया, तारा की ओल्ड एज में डेथ हो गई है और Rajmohan ने अपने गुनाह कबूल कर लिए, सरदार फ्ली हो गए हैं, Matangini की डेथ हो गई अपने फादर के घर जाने के बाद. सो दिस वे वी आर टोल्ड अ बिट अबाउट द कैरेक्टर्स बट नॉट द कंप्लीट प्रॉपर एंडिंग इज देयर ऑफ दिस नॉवल. सो दिस ओमनीसेंट, दिस थर्ड पर्सन नरेटर ब्रिंग्स द स्टोरी टू एन एंड एंड फाइनली सेज फेयरवेल टू ऑल द रीडर्स.
मेजर थीम जो इस नॉवेल की है दैट इज द रोल ऑफ द वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया एंड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन। आप बहुत सारी फीमेल्स के को देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटुलर कैरेक्टर हिमांगनी जो कि अपने हस्बैंड के ऑपरेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, तारा जो कि अपने हस्बैंड के विलेनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, एंड हिमांगनी एक ऐसी लड़की जिनके कैरेक्टर को बहुत ही म्यूट बहुत ही मीक दिखाया गया है, वो किसी भी तरीके का कोई व्यू पॉइंट ही एक्सप्रेस नहीं करती। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चैटर्जीज राजमोहन्स वाइफ रिवॉल्व्स अराउंड टू मेजर थीम्स द रोल ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया एंड द स्ट्रगल ऑफ दीज वुमेन अगेंस्ट द फैमिली अगेंस्ट द सोसाइटी एंड द सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया स्ट्राइविंग टू एसर्ट इटसेल्फ ओवर पैट्रियार्कल एंड कॉलोनियल कंट्रोल। तो पैट्रियार्कल कंट्रोल कॉलोनियल कंट्रोल इसके अगेंस्ट फीमेल्स किस तरीके से अपनी वॉइस स्लोली एंड स्टेडली रेज कर रही थी दैट हैज बीन सिंबॉलिकली शोन इन दिस नॉवेल। I hope you understood the theme, the story, the characters really well. Please do like the video and provide your valuable feedback in the form of comments. You may join the classes to cover all the topics in detail. You can click the link given in description to get connected to us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.